हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल के लड्डू। नारियल के लड्डू आपने कई बार बनाए होंगे, खाए होंगे, कई तरीके से बनाए होंगे। एक बार इस तरीके से बनाकर देखो, बिल्कुल टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। इसमें बिल्कुल आपके ओरिजिनल नारियल का टेस्ट आएगा। बहुत ज़्यादा ये यमी बन के तैयार होगा। ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक ताज़ा नारियल। ये नारियल को या फिर ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, या फिर इजी वे में आप इसको छोटे टुकड़े करके मिक्सी में इसको डाल के पीस भी सकते हो, तो ये जल्दी हो जाएगा। अगर बिल्कुल वाइट अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो आप इसकी छिलके को उतार सकते हो, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है तो मैं इसके साथ ही बनाऊंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको उतार के भी इसका बना सकते हो, नहीं तो इसके साथ बना सकते हो। तो मैं इसे छोटे टुकड़े काट के मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, इसे ये जल्दी हो जाएगा। नारियल को मैंने ग्राइंड कर लिया है। चलिए गैस को ऑन करते हैं। गैस मैंने ऑन कर लिया है, कढ़ाई हमारी गर्म है। इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। दो चम्मच के बराबर हम इसमें डालेंगे शुद्ध देसी घी। घी को मेल्ट होने देते हैं। ये लड्डू बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है, बिल्कुल झटपट बन के तैयार हो जाएगा। घी हमारा मेल्ट हो चुका है, डालेंगे इसमें अपने नारियल के बुरादे। थोड़ी देर तक इसे भूनना है, बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है। इसे हम हल्का ही भूनेंगे क्योंकि इसमें जो नारियल कच्चा नारियल है इसका जो मीठापन है वो जाना नहीं चाहिए। कच्चे नारियल का भी मीठापन थोड़ा सा इसमें रहना चाहिए, इससे आपका लड्डू बहुत अच्छा बनेगा, बहुत अच्छी इसकी टेस्ट आएगा इसका। तो बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा बस घी का इसमें टेस्ट आ जाए, बस इतना ही करना है हमें। नारियल हमारा भून चुका है, डालेंगे हम इसमें चीनी। नारियल हमारा इस कटोरी से डेढ़ कटोरी के बराबर था तो मैं एक कटोरी जानी डाल रही हूँ, इसे अच्छा खासा मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो नारियल के बराबर भी आप डाल सकते हो। मैंने डेढ़ कटोरी में एक कटोरी चीनी ली है। चीनी हमारी मेल्ट होगी तो ये ढीला हो जाएगा। अभी हमें इसमें कुछ नहीं डालना, पहले हम देखेंगे अगर बाइंडिंग के लिए हमारी चीनी काफी है तो बस हम चीनी से ही इसमें इसको बाइंड कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर इसमें खोया मिला सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर है। कुछ ड्राई फ्रूट्स भी आप डाल सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरीके से हम बनाते हैं, ऐसे ही अच्छा लगता है। तो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल सकते हो। इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा कुटा हुआ इलायची पाउडर। बहुत ज्यादा ये टेस्टी बनता है, बहुत झटपट बनकर तैयार होगा। फिर सिर्फ दो चीजों से बनकर तैयार हुआ, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा। आप बना के इसे जरूर ट्राई करना। दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम आपस में इसी तरीके से जुड़े रहें। इसमें डालेंगे हम फ्रेश मलाई, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा।
घर में रखी पड़ी हुई चीजों से हम इसको बनाएंगे और बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएंगे, मार्केट से कहीं ज्यादा बढ़िया ये बनके तैयार होगा। चार चम्मच मैंने इसमें मलाई डालनी है, चीनी को पूरी तरीके से मेल्ट होने देना है। फ्लेम को बिल्कुल सिम पर रखें, अगर फ्लेम आप बढ़ाएंगे तो फिर आपका ये जल जाएगा। फ्लेम को बिल्कुल इसको धीमा रखना है, बिल्कुल सिम पर रखना है। स्टार्टिंग से ही मैंने फ्लेम को सिम पर रखा है क्योंकि हमें नारियल का जो कच्चापन होता है, जो उसकी मिठास होती है, वो इसमें बरकरार रखनी है। ओरिजिनल हमें नारियल का स्वाद चाहिए, इसीलिए मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डाले हैं, कुछ नहीं डाला है, क्योंकि मुझे इसमें नारियल का टेस्ट चाहिए जिसे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए बिल्कुल सीम पर ही बनाना है इसको, फ्लेम इसका बिल्कुल तेज नहीं करना आपको। चीनी को बिल्कुल मेल्ट होने देते हैं। इसको चलाते रहें क्योंकि ना तो मैंने इसमें दूध डाला है, ना तो मैंने इसमें पानी डाला है, कुछ नहीं डाला है। तो फिर अगर आप इसको कंटिन्यू चला नहीं चलाओगे तो फिर चीनी आपकी कढ़ाई में चिपकने लगेगी। कंटिन्यू चला के हम इतनी देर तक चलाना है कि चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो जाए और बाइंडिंग के लिए बिल्कुल ये रेडी हो जाए। बिल्कुल ओरिजिनल नारियल की टेस्ट में आपकी ये लड्डू बनके तैयार होने वाले हैं। आप बना के जरूर ट्राई करना, कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चीनी को मेल्ट होने देते हैं, कंटिन्यू चलाते रहते हैं इसको। इस लड्डू में सिर्फ देसी घी, इलायची और कच्चे नारियल का टेस्ट आता है, इससे बहुत ज्यादा यूनिक लगता है। बस दो तीन चीजों से बना के हम इसे तैयार करेंगे, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेगा और झटपट बन के तैयार होता है। चीनी जब आपके गल जाए तो लास्ट में हम इसके फ्लेम को हाई पर कर देंगे ताकि ये पूरी तरीके से सूख जाए और बाइंडिंग के लिए तैयार हो जाए। मैंने इसके ये चीनी मेरी गल चुकी है, चीनी पिघलने के बाद ही हमें फ्लेम को हाई करना है। चीनी हमारी पूरी तरीके से पिघल चुकी है, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है। पूरी तरीके से इसको मैं सुखा लेती हूँ ताकि ये बाइंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। आप चाहो तो चीनी को पीस के भी डाल सकते हो, बिल्कुल इसे सुखा लेना है, ठंडा होने पे बिल्कुल सूख जाएगा। बहुत ज्यादा देर तक भी इसे नहीं पकाना है, नहीं तो नारियल हमारा तेल छोड़ने लगेगा तो फिर बाइंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो बस हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं क्योंकि ठंडा होने पर ये सूख जाएगा, इसे ठंडा होने देते हैं। मिश्रण हमारा कुछ ठंडा हो चुका है, बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, थोड़ा ठंडा करना है ताकि हम इसका शेप दे सकें। आप चाहो तो इसको इस तरीके से करके अभी बर्फी भी बना सकते हो, जो आपकी मर्जी हो। मैं इसका लड्डू बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसे शेप दे देती हूँ और जब यह पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल सेट हो जाएगा। बहुत मजेदार ये बिल्कुल देसी घी के लड्डू हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगेंगे। आप बना के जरूर ट्राई करना इसको। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा पूरा घी निकल आया है, बहुत टेस्टी बनने वाला है ये, बहुत टेस्टी लगने वाला है। आपने बहुत बार बनाए होंगे इस तरीके से नारियल के लड्डू, एक बार इस तरीके से बना कर देखो, बिल्कुल इससे बढ़िया आपने कभी नहीं बनाया होगा, बहुत टेस्टी लगता है ये। आप एक बार बना के जरूर ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कैसा लगा। इसी तरीके से हम सबको सेप दे देंगे।
लड्डू को मैंने शेप दे लिया है, देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं। बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे आपको मर्जी हो आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कि किशमिश डाल देती हूँ इस पर। ये झटपट हमारा नारियल के बिल्कुल मज़ेदार वाले लड्डू तैयार हैं। ऐसे लड्डू आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए और भी लेके आ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।